नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अप क्लासेस पर। दोस्तों, रात के 12:30 बजे हुए हैं और मैं आया हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो पर आपको पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटमोलॉजी यानी कीट विज्ञान के टॉपिक पर, यानी एंटमोलॉजी क्या होती है, इसका क्या महत्व है, ये एंटमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए एंटमोलॉजी यानी एंटमोलॉजी, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक का। एक किस भाषा का शब्द है? एक ग्रीक वर्ड है। किसका? ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा का शब्द है जो कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है। दो अलग अलग शब्द, वो शब्द कौन से हैं? तो एंटोमो और एक है लॉजी। क्या है? एंटोमो। और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है? लॉगोस। क्या है? लॉगोस। इसमें एंटोमो का जो अर्थ होता है वो होता है इंसेक्ट। क्या होता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन कीट। क्या? कीट। इंसेक्ट का अर्थ क्या होता है? कीट। लॉगोस मीन स्टडी यानी अध्ययन। यानी कि एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन। ये तो इसकी मीनिंग की बात हुई, लेकिन अगर हम इसकी डिफाइन डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो हम इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि कीट विज्ञान जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की वह शाखा है। किसकी शाखा है? बायोलॉजी यानी कीट विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया होगा? यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो इसमें आपने एंटमोलॉजी में आप दो चीज पढ़ेंगे, एक तो होता है इंसेक्ट और एक होता है पेस्ट यानी कीट और पतंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्ट यानी पतंगे क्या होती हैं। यानी पेस्ट। क्या? पेस्ट यानी पतंग। पतंग यानी पेस्ट की बात की जाए तो पेस्ट वे प्राणी हैं यानी वे जीव हैं जो मनुष्य को किसी ना किसी ढंग से आर्थिक हानि पहुंचाते हैं यानी इकोनॉमिक लॉस पहुंचाते हैं। यानी कि मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? पेस्ट यानी पतंग कहते हैं। इसके अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसके एग्जांपल क्या हुए? जैसे कि वीड। क्या? खरपतवार। अगर किसी खेत में या फील्ड में एक अधिक मात्रा से खरपतवार हो जाता है तो हमारी फसल को हानि पहुंचाता है। तो इसलिए ये क्या हुआ? ये हमारा पेस्ट हुआ। इससे आगे बात की जाए इंसेक्ट। क्या? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का तो आपको पता ही होगा, यदि किसी खेत में अधिक कीट हो जाते हैं या कुछ मात्रा में भी कीट हो जाते हैं तो वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आगे बात की जाए कवक यानी फंजाई। क्या? फंजाई। और इससे आगे बात करें वायरस। क्या? वायरस। इससे आगे बात करें जीवाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया ईटीसी। ओके, इससे आगे हम बात करते हैं कि इंसेक्ट यानी इंसेक्ट क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या क्या हैं। यानी इंसेक्ट यानी कीट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कीट वे प्राणी हैं जिनका शरीर तीन भागों में बटा होता है। कितने भागों में? तीन भागों में बटा होता है जिनका शरीर तीन भागों में बटा होता है। और वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है सिर। कौन सा है मेरे भाइयों? सिर यानी हेड। और जो दूसरा है वो है वक्ष। क्या है? वक्ष यानी थोरैक्स। और जो तीसरा पार्ट है इसकी बॉडी का वो है उदर। उदर यानी एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी कि वे प्राणी जिनका शरीर
तीन भागों में बटा होता है, यानी सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है, कीट कहलाते हैं, यानी इंसेक्ट कहलाते हैं। तो दोस्तों कुछ कीटों के लक्षण भी होते हैं कि उनकी कितनी टांगे होती हैं, उनकी सरंगिका यानी एंटीनी पाई जाती हैं या नहीं, पंखे होते हैं या नहीं, तो इनको भी हम आगे पढ़ते हैं। ये सबसे पहले इसकी बात की जाए कि इसमें टांगे कितनी होती हैं, यानी टांगे यानी लेग्स। तो मैं आपको बता दूं, एवरी इंसेक्ट हैव 6 लेग्स, यानी प्रत्येक कीट के पास 6 टांगे होती हैं, यानी 3 जोड़ी टांग, 6 टांगे यानी 3 जोड़ी टांग। कितने पेयर होते हैं टांगों के? 6, यानी 3, कितने? 3 पेयर, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी टांगे। इसे आगे बात की जाए श्रृंगिका की, किसकी? श्रृंगिका यानी एंटीनी की। तो एंटीनी की बात की जाए तो प्रत्येक कीट की 2 श्रृंगिकाएं यानी 1 जोड़ी श्रृंगिकाएं होती हैं। संख्या कितनी होती है? 2, लेकिन जोड़ी कितनी बनेगी? जोड़ी कितनी होती है? 1 जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। क्या आपको पता है दोस्तों श्रृंगिका किसे कहते हैं? जैसे आपने चींटी के आगे देखो जो 2 आगे की तरफ 2 डंक से होते हैं, ऐसे करके 2 डंक होते हैं, उनको श्रृंगिकाएं कहते हैं। इससे आगे हम बात करें कि इनके विंग कितने होते हैं, यानी विंग यानी पंख। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक इंसेक्ट के यानी हर एक कीट के 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख यानी 4 पंख पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।